कि इन्होंने जो रोड बनाई ठीक है उसका इन्होंने कहा था खातेदारों से मुआवजा देंगे। हाँ। उस रोड का आज तक मुआवजा भी उन खातेदारों को नहीं मिला। मैडम रास्ते बंद कर रखे इन लोगों ने, आज लोग एक बिला नाम पे चंद्रोड पे कब्जा किया, प्रशासन भी नहीं हटा सकता। अरे पिछली सरकार ने इनकी मर्जी आया जा रास्ता खोल दिया, मर्जी आया जा बंद कर दिया इन्होंने, पिछली सरकार ने इन्होंने। हां भाई भाई मतलब बंद कर दे, इसने अंग्रेजों वाली नीति अपना रखी, फूट डालो राज करो भाई, वही चीज है। दरीबा में टेलिंग डैम के वेस्ट को लेकर ग्रामीण उग्र हुए तो विधायक भी धरने पर बैठी। राजसमंद जिले में दरीबा व कोटड़ी पंचायत क्षेत्र के गांवों में बारिश के चलते टेलिंग डैम का केमिकल वेस्ट बहकर गांव के खेत में घुस रहा है। टेलिंग डैम पर सुरक्षा प्रबंध नहीं होने की वजह से बारिश के पानी के साथ टेलिंग डैम का केमिकल रिसाव हो रहा है। इसको लेकर हिंदुस्तान जिंक व वेदांता ग्रुप के खिलाफ ग्रामीण आक्रोशित हैं और इसी आक्रोश को लेकर विधायक दीप्ति माहेश्वरी मौके पर पहुंची और उनके साथ उनकी बात तसल्ली से सुनते हुए वे भी वहां पर धरने पर बैठ गई। लोगों के आक्रोश विरोध और विधायक के मौके पर पहुंचने के बाद राजसमंद से अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश कुमार बुनकर भी मौके पर पहुँच गए। इस समस्या को लेकर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी दरीबा व कोटड़ी पंचायत क्षेत्र के लोगों से रूबरू हुई, जहां ग्रामीणों के साथ बीच सड़क पर वे धरने पर बैठी। विधायक ने पहले तो ग्रामीणों की बात तसल्ली से सुनी और उसके बाद हिंदुस्तान जिंक प्रशासन के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की। लोगों के आक्रोश और विधायक के धरने पर बैठने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश कुमार बुनकर मौके पर पहुँच गए और ग्रामीणों की समस्या को सुनते हुए जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों को आरोप था कि लंबे समय से जिंक प्रबंधन की मनमानी चल रही हैं और रेलमुंगरा उपखंड अधिकारी से लेकर राजसमंद जिला कलेक्टर तक को कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की बात की कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इस तरह ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी प्रशासन के उदासीन रवैये के प्रति नाराजगी जताई। हालांकि विधायक दीप्ति ने कहा कि वे ग्रामीणों के साथ हैं और इस वाजिब समस्या को लेकर वे गंभीर हैं और इस उनके साथ हैं और इसी के तहत उन्होंने यह मुद्दा पहले विधानसभा में भी उठाया है। साथ ही इस समस्या के समाधान के लिए वे हर संभव प्रयास करेगी। देखिए मौके पर आक्रोशित ग्रामीणों की समस्या और विधायक की बात। मैडम रात को फोन किया था मैं साहब को, मैंने इन्होंने कहा कुछ नहीं आ रहा पानी, जबकि मैंने फोटोग्राफ बताया था इनको। मैडम We have taken lot of steps. What steps have you taken? We do not see anything. The water is still being drained in the farms of people. हाँ तो चलो दिखाओ मैम, मेरे खेत से स्टार्ट करो, मेरे खेत से स्टार्ट करो, दिखाओ इनको। तभी हम आए ना, नॉर्म्स में क्या होता है, ये आपके कवर होना चाहिए नॉर्म्स में। हेड को बुलाओ ना, सेफ्टी वन वही निकालेंगे मैम। मैम उसको बुलाओ, काश्तकारों के खेत में इनकी कैसी दादागिरी चल रही है, आप मेरे खेत में चल के देखोगे आप एक बार तो पता चलेगा। नोट करो आप इसमें कि इन्होंने जो रोड बनाई ठीक है उसका इन्होंने कहा था खातेदारों से मुआवजा देंगे। हाँ। उस रोड का आज तक मुआवजा भी उन खातेदारों को नहीं मिला। चौथा पॉइंट ये है कि एक किसी काश्तकार का नाम मैं बोल रही हूँ, मेरे को उसका फोन भी आया था, उसके लैंड को इन्होंने कब्जा कर दिया है। आप ही गए वो, क्या शुभ नाम आपका? जाकिर हुसैन, मेरी मम्मी का नाम कुलसुम बेगम, मम्मी ने फोन किया था। हाँ आपकी मदर ने फोन किया था। पटवारी जी भी आए हैं, कोई कब्जा नहीं किया हमने। आप चलो सर मैम, लोकेशन देखो, आप लोकेशन पे चलते हैं, आप भी चलो लोकेशन पे, आप भी चलो। अब हमारा प्रशासन दे देगा। मैडम रास्ते बंद कर रखे इन लोगों ने, आज लोग एक बिला नाम पे चंद्रोड पे कब्जा किया, प्रशासन भी नहीं हटा सकता। अरे पिछली सरकार ने इनकी मर्जी आया जा रास्ता खोल दिया, मर्जी आया जा बंद कर दिया इन्होंने, पिछली सरकार ने इन्होंने मर्जी आया जा बंद कर दिया, मर्जी आया जा खोल दिया। आप लोगों ने इनकी इच्छा हो तो वो किया इन्होंने,
हम लड़ रहे हैं मैडम जोधपुर हाई कोर्ट में, हमारे रस्तों का चल रहा है, लड़ रहे हैं। ये वही तटा था राकेश, तो ये अब ये रिपोर्ट सामने है, इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती मैडम। टेस्टिंग करो, ये सैंपलिंग करो कि इन लोगों ने कौन सी वो नीचे लगा रखी है पन्नी और कौन सी पन्नी नहीं लगा रखी है। गरीब आवड़ो ना तो बंदर बात करके गांव के एक आदमी को बुलाता है, उसको कुछ उसको करता है वो 10 आदमी को, और गांव वाले गांव वाले इसने अंग्रेजों वाली नीति अपना रखी, फूट डालो राज करो, वही वही चीज है। प्योर यहाँ पे और क्या कमा खा रहा है, चलो को दो आदमी को रोजगार मिल रहा है, इतने लोग खड़े युवा, इनको एक बेचारे मारे मारे पीटते हैं, मैडम के रात भी पहुंच जाते हैं हमारी जमीन में, हमारे इलाके में कमा खा रहा है, हम जो बाहर से ला रहे घूम रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, एप्लीकेंट्स तक आकर लगा रहे हैं यहां पर, खेत लगा जाना नुकसान है, कोर्ट देखो जिनकी जमीन को चली, ये तो कल चांदी चस्ता निकाल के चला जाएगा, दिल्ली नहीं आ रहे, काका न्याय यही है। और इसने पब्लिक वेलफेयर में क्या किया इसको बताए, क्या सीएसआर क्या किया इसका, आरटीआई सीएसआर में इसको बताओ कि कितना इनको वो करना चाहिए और कितना ये आगे क्या सीएसआर कर रहे हैं। ये कर्नल कर्नल साहब जो आए ना सीएसआर देखते हैं, आप सीएसआर बुलाओ कर्नल साहब, सबसे बड़ा बलवान यही है और सबसे ओझला है, बोलने का बिल्कुल ध्यान भी नहीं है। जो मेरे को मैंने जो इस बारे में पता करा है ना, 1% इनको परमिशन मिली है देने की, 6 महीने में ये वेस्ट यहाँ से खत्म हो सकता है अगर ये प्रायोरिटी पे उसको करे। नहीं होगा मैडम, कभी खत्म जिंदगी कभी नहीं होगा, जब तक ये माइंड चलेगी जब तक ये वेस्ट रहेगा। ये और बात मैं बोल रही हूँ, देश को कहीं और यूज कर सकते हैं, मैं ये बात और मार रहा है। अरे काका जी अब कंपनी ये चाहे कंपनी तो मेजर्स ले सकती है, पॉइंट इज दैट हम चाहे तो हम इसका कुछ कर सकते हैं, बट हमने ये सोचा द एटीट्यूड ऑफ द कंपनी। एक सेकंड, इनका जो इन्होंने ये बना रखा है, ये बना रखा है कि कोई नहीं, गांव वालों में से 4 जनों को पकड़ेंगे, जमीन को और बढ़ा देंगे, सेलिंग वेस्ट को और डाल देंगे, थोड़े दिन ये प्रदर्शन करेंगे, फिर हम 2 जनों को बुलाएंगे, प्रलोभन देंगे कि चलो तुम चुप हो जाओ, जो इसमें से ज्यादा बोलेगा उसको, मतलब पॉइंट मैडम जेल में ना गया तो इन दोनों को तो कुछ भी नहीं करेंगे, और ये अगर बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं तो इन दोनों को बुला कर और शांत कर देंगे, ये तरीका नहीं होता। अनकटे प्रशासन ने बुला लिया, केस कर दे या तो सरपंच साहब ने आप ना वो तो माना तो फिट कर दे ज्यादा बोलते आप, ये सोचो आरो में सही करने के लिए कितना खर्चा लग जाता होगा, उनका बिजली का बिल, एक बार बिजली का बिल नहीं पड़ सकते हैं। आप एक आप घूमना आश्रम दे दीजिए, मैं आप कहीं एक फेस पार की माइनिंग करता है, एक जेसीबी लेके ये लोग जो एक फेस पार की माइनिंग करता है, आप लोग क्या करते हैं यहाँ के लोग, ये बेचारे क्या करते हैं, मुझे क्या देते हैं, तो ये लोग प्रोवाइड कर नहीं सकते ऐसा का आता है इनको, इनकी रोड साइड पब्लिक वेलफेयर में इनको इन्होंने सब इनको करनी चाहिए, कुछ भी नहीं है सर।